Assalamualaikum guys, this is Fahad Fahad Ahmed and welcome to my YouTube channel. सबसे पहले आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, खास तौर पे नए देखने वालों से ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख सकें। गाइस, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। इम्पोर्ट हमारी तकरीबन बैन लगा हुआ है इम्पोर्ट के ऊपर, ये इम्पोर्ट हमारी नहीं हो पा रही है, एलसीज हमारी ओपन नहीं हो रही हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर तकरीबन शट डाउन की तरफ है और वो लोग अपने वर्कर्स को कैरी भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स को उन्होंने ऑफ दिया हुआ है और वर्कर्स इस वक्त घर पर बैठे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। और इसी तरीके से पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई थी कि 1600 के करीब तकरीबन टेक्सटाइल्स जो है वो शट डाउन की तरफ चले गई हैं और शट डाउन हो चुकी हैं। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आगे का कुछ नहीं पता है क्या होगा। तो गाइस, यही टाइम है हमारे लिए सीखने का, डिजिटलाइज होने का, अपनी स्किल्स में इजाफ़ा करने का कि हम अपनी स्किल्स में इजाफ़ा करें और हम आएँ ई कॉमर्स की तरफ, हम आएँ ऑनलाइन अर्निंग की तरफ। काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, जैसे कि हम रेहान अल्लाह वाले की बात करें, अदाद चाय वाले की बात करें और इस तरह के और भी लोग हैं जो चीख चीख के बोल रहे हैं भाई कि ऑनलाइन अर्निंग करो, ऑनलाइन अर्निंग करो, हमारे यूथ को गाइड कर रहे हैं, हमारे यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, यंग जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग आएँ और सीखें ऑनलाइन अर्निंग होती कैसी, आप लोग सीखें इसके ऊपर। और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है भाई, बहुत छोटा सा काम है, सिर्फ क्या आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए और आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो आप ये आराम से ऑनलाइन अर्निंग करना सीख सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग से ही रिलेटेड आज मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ बताई है उन लोगों के लिए खास तौर पर कि जो परेशान होते हैं कि हम काम कैसे स्टार्ट करें। भाई कोशिश तो करो, काम स्टार्ट करो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी तो आ ही जाती है। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। डॉलर्स कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, हमें सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत है, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, हमें अपनी स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। काम बहुत है, यूरोप वाले, यूके वाले और पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंपनीज, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँगा, वो लोग के, उन लोगों के पास काम बहुत है, वो पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं अपने काम कराने के लिए। लेकिन क्या है, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी जो कर भी रहे हैं, अमेज़ॉन के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें उनके ज़रिए भी अर्निंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूथ इसमें हिस्सा नहीं ले रही है, बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, लेकिन क्या है कि हमें भी इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ना है, हमें भी सीखना है, हमें भी अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। इसी चीज़ की मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में जो कि कैनवा के नाम से, और आपने कई जगह इसको देखा होगा कि कैनवा सीखो लाखों कमाओ। तो भाई कैनवा सीख के लाखों किस तरह कमाए जाते हैं, मैं आप लोगों से एक ओवरव्यू दूंगा, सब कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। थोड़ी बहुत आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, जब आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे तो क्रिएटिविटी आती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं और मेरी वीडियोज़ को देखेंगे तो मेरी वीडियोज़ के अंदर जो लोगोज लगे हुए हैं और जो थंबनेल लगे हुए हैं वो सब मैंने कैनवा ऐप से ही बनाए हैं, और मैंने कैनवा ऐप किसी से नहीं सीखी, यूट्यूब से वीडियोस देख देख के लर्निंग की है और इसी तरीके से मैं लर्निंग कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह वीडियोस को देखकर लर्न करें। अगर आपके इतने पैसे नहीं हैं कि आप कोई पैड कोर्स ख़रीद सकें या कहीं जाके के क्लासेस ले सकें तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, यूट्यूब पे लाखों तरह के लोग आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, आप उनकी वीडियोज़ को देखें और आप लर्न करें, आप सीखें, अपनी स्किल में इजाफ़ा करें। तो गाइस, बिना किसी ताखिर के लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ मैं आपको बता सकूँ कैनवा के ज़रिए या कैनवा पे काम किस तरीके से होता है और आप किस तरीके से अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और कैनवा की ऐप के ऊपर काम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके गाइस, आप लोग मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं इस वक्त और आपको यहाँ पर एक कैनवा का आइकन नज़र आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक करते हैं और आप कैनवा को प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से अवेलेबल है। और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आसानी से ये चल जाएगा। इसके अंदर इसका एक प्रो वर्जन भी आता है, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं उसी के बारे में बताऊंगा प्रो वर्जन किस तरीके से इसका डाउनलोड करते हैं। ठीक है गाइस, तो जब आप कैनवा को ओपन करेंगे तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सब बता रहा है। अगर मैं ऊपर चेक करना चाहूँ, वीडियोज़, यूट्यूब थंबनेल, लोगो, योर स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्क्वायर, एक्स वाई जेड, सारी चीज़ें आपको ये बता रहा होता है और सब चीज़ें की यहाँ पर थीम मौजूद है, सब चीज़ों की यहाँ पर
सैंपल मौजूद है। सिर्फ आपको क्या करना है कि इनको डाउनलोड करना है अपने पास और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी कस्टमर की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको एडिटिंग करनी है। थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो दिखानी ही पड़ेगी, और जब आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपके आपको पता चल जाएगा इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, यानी कि आप यूट्यूब बैनर बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी आप बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल। जैसे मैंने क्लिक किया यूट्यूब थंबनेल पर तो ये इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और ये आपको ले जाएगा कैनवा की लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे सैंपल अवेलेबल हैं, बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं कि थंबनेल आपका किस तरीके का होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने आ गया, ये सारे आपके पास थंबनेल हैं। अब आपकी जो डिमांड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी एक थंबनेल को चूज़ करें। फ़र्ज़ करें मैं हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल फॉर फ्री इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरे पास वहाँ पर पहुँच जाएगा, देखें ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एडिटिंग करनी है या इसकी तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगानी है। हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल फॉर फ्री है, इसकी इसको एडिट करना है या अपने हिसाब से, अपनी वीडियो के हिसाब से, या सामने जो आप जिसने आपसे डिमांड की है उसकी डिमांड के हिसाब से जो जो चीज़ें चाहिए आपको इसके अंदर एडिट करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका पूरा जो आपके यहाँ पूरा थंबनेल मौजूद है, थोड़ी बहुत एडिटिंग आप खुद भी सीख जाएंगे जब आप कैनवा को यूज़ करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताया था कि ये पिक्चर है, मैंने पिक्चर पर क्लिक किया, अब मुझे इस पिक्चर को रिप्लेस करना है तो नीचे देखें आप रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और ये मेरे पास सारी इमेजेस आ जाएंगी कि मैं जो इमेज है उस लड़की की उससे मैं उसको मैं किस इमेज से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं इमेजेस पे आ जाता हूँ अपने फ़ोन की गैलरी में, और यहाँ से मैंने उठा ली फ़र्ज़ करें एक इमेज जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। ये वाली इमेज मैंने उठा ली। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये इमेज खुद ब खुद यहाँ पर पहुँच गई। अब इस इमेज को क्रॉप करने का तरीका भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जब आप चेक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जब आप चेक पहुँच गए, अब इस इमेज को क्रॉप करने का तरीका भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जब आप चेक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जब आप चेक करेंगे देखिए क्रॉप का आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से जैसे हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल, अगर मैं क्लिक करूँ जैसे थंबनेल पर, अब थंबनेल पर या फॉर फ्री पर, अब इसकी जगह मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ एडिट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। जब आप कैनवा को डाउनलोड करेंगे, जब आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आप कैनवा को डाउनलोड करें, इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, जो भी परेशानी आए मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी एक वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि कैनवा को यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है बताने के लिए। नेक्स्ट जो मेरी 2 वीडियोज़ है, एक ये है कि कैनवा को यूज़ किस तरीके से किया जाता है, दूसरा ये है कि कैनवा जो प्रो है, कैनवा प्रो डाउनलोड किस तरीके से करते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको इस वीडियो से को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई ऑनलाइन अर्निंग करना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सीखना है। जब तक हम काम करेंगे नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो जाए अभी जाके फ़ौरन कैनवा को डाउनलोड करें और कैनवा के ऊपर काम करना शुरू करें। जब आप कैनवा पर काम करना शुरू कर देंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर करेंगे हम अपनी वीडियो को ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फॉलो फहाद को दीजिए इजाज़त इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।